लेता हूँ कि आप एमरजेंसी क्रिटिकल सिचुएशन में थे, थोड़ा ऊपर चढ़ के ना खड़े थे, मान लेंगे। थैंक यू मैम। सो जूले फ्रॉम हानले। तो जैसे कि आपको पता ही है कि कल मैं हानले पहुंच गया था पेंगोंग से, एंड आज मैं हानले से जा रहा हूँ उमलिंगला पास, द हाईएस्ट मोटेबल पास ऑफ वर्ल्ड। इट इज़ अप्रोक्स 19,000 कुछ इतने। एंड हानले इज फेमस फॉर स्टार ऑब्जर्वेटरी। यहाँ पे ना हानले से निकल आए हैं, ये पद्मा होमस्टे वाला रोड से जा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे उमलिंगला जाने के दो तीन रोड हैं। तो एक जो पहला हानले घुसते ही साइड लेफ्ट लेके रोड है जहाँ परमिट चेक कराते हैं, तो एवरीवन सेज कि अवॉइड दैट रोड, बिकॉज दैट रोड इज़ लाइक वो लंबा भी है और ख़राब भी है। तो हम लोगों ने ये हानले के अंदर से एक रोड लिया है, वहाँ पे एक पद्मा होम स्टे नाम का कुछ जगह है, वहाँ से हम लोगों ने ये रोड पकड़ा है। सो रोड टू उमलिंगला स्टार्ट्स एंड एडवेंचर स्टार्ट्स 19,000 से शायद ज़्यादा है। When you start your ride from Hanle to Umlingla, तो ये क्या है ना, आपको रोड पे ये प्लेन फील्ड है, यहाँ भी वही है, चक्के के ट्रेल्स देखो है ना, चक्के के निशान। तो यहाँ पे पर बेस्ट चीज़ है कि उनने पोल लगा के रखे हैं। आई विल शो यू, ये जो ये पोल है ना, आपको इधर उधर कन्फ्यूज नहीं होना है कौन सा ट्रेल कहाँ क्या। दीज पोल्स, यू हैव टू फॉलो दीज पोल्स। ये पोल्स जहाँ जहाँ जा रहे हैं उसी ट्रेल के साथ आप चलते जाओ। अभी तो ये प्लेन से अब पता नहीं, इट इज़ माउंटेन, अभी कुछ रंग दिखाएगी आगे जाके, बिकॉज इट इज़ 19,000, तो भाई इंक्लाइन तो आएगा, दैट इज फॉर श्योर। दिस इज रोड टू उमलिंगला। जहाँ तक प्लेन्स थे वो तो ठीक है, यू कैन सी भाई साहब ये जो क्लाइंब आ रहा है ना, इट इज़ नॉट इंटेंस पर लंबा है ना, गाड़ी की जान निकल रही बहन चो, सॉरी नो अब्यूसिव वर्ड्स इसमें ना बोलने में लफड़ा ये हो रहा है कि फॉग आ रहा बहुत तेज, वहाँ ना एकदम फॉग आ गया था पूरा वाइजर पे। दीज थिंग्स आर रिस्की, बहुत रिस्की है ये, अरे यहाँ ना, और लफड़ा ये होता है गाड़ी पावर छोड़ने लगती है भाई साहब, 500-600 सीसी का इंजन भी यहाँ पावर छोड़ता है, बिकॉज द रीज़न इज ऑक्सीजन का लफड़ा। वो देखो मुझे लग रहा है यू पीपल विल लव द उमलिंगला पास सीरीज, सीरीज नहीं है एपिसोड, सॉरी सीरीज इज अ फुल लद्दाख एपिसोड, लद्दाख सीरीज एंड उमलिंगला एपिसोड, राइट। गाड़ी खाते हैं बेचारी, ऐसी रोटी चाहिए है ना, गाड़ी से ज़्यादा अपना दिल दुखने लगता है। कंप्लीटेड 40 किलोमीटर ऑफ रोड, इट वॉज लाइक फन, पर हाँ गाड़ी की भी जान निकल रही थी। एंड आफ्टर 40 किलोमीटर्स ये पक्का रोड आ जाता है, एंड व्हेन यू आर एंडिंग दैट ऑफ रोड ना, तो आपको लगेगा फॉर श्योर कि उमलिंगला इज लेफ्ट साइड, बट उमलिंगला नहीं नहीं उमलिंगला इज राइट, बट यू हैव टू टेक आर लेफ्ट, चिसुमुले साइड आना है। सो फ्रॉम हेयर चिसुमुले इज लाइक 14-16 किलोमीटर, हाँ इतना ही कुछ लिखा था। एक तो मुझे ना ये क्या होता है मुझे समझ नहीं आता आजकल, मेरी मेमोरी ये बहुत वीक हो रही है। तो जब ऑफ रोड ख़त्म होना यानी यू स्टार्ट फ्रॉम हानले, और वो जो जब ब्लैक रोड आती है ना पक्की वाली, तो यू हैव टू टेक अ लेफ्ट, सो फ्रॉम लेफ्ट यू स्टार्ट। दिस रोड इज़ लाइक फकिंग ऑसम, और किसी ने बताया हमारे लिए कि कोयल उमलिंगला इज 37,
उमलिंगला इज 37। तो किसी ने बताया हम लोगों को कि ये रोड के बाद ही अभी चलेगी, मुझे मतलब लाइक 32 किलोमीटर यही ऐसे ही सेक्सी रोड चलना है कांच माफिक, उसके बाद 5 किलोमीटर का हार्डकोर ऑफ रोड है भाई साहब। यहाँ पे बहुत गाड़ी चढ़ाना स्ट्रगल हो गया है, और अब तो गाड़ी ने लोड लेना तो बंद कर दिया, गाड़ी अपनी जगह 3-4 लेयर ऊपर पहने हूँ, 1 लेयर नीचे पहने हूँ, मोजे में 2 लेयर, उसके बाद ही ठंड सहन नहीं हो रही। वी आर कमिंग टू उमलिंगला, यह तरीके से लेयर्स पहन के आओ, और मेरी तो गाड़ी ने जान छोड़नी चालू कर दी है। अभी मैं कह रहा था ना कि मैं ऊंचा जा रहा हूँ, मुझे लग नहीं रहा है ये वो, अरे बहन चोद ऊपर ये गाड़ी ना इंजन ऐसा हो रहा है जैसे गया जान निकल गई। बाप रे, यू कैन सी हियर द वॉइस ऑफ इंजन, इंजन भी ना रोने लगा है। हाँ, रोलिंग बनी रोलिंग बनी, थोड़ा मोमेंटम बन जाए ना फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो मैं कहीं भी पहुंच जाऊँ, लेकिन वहाँ ना मोमेंटम गया था मेरी गाड़ी का। अब नहीं है अरे, अब नहीं है अरे भाई साहब, मैंने सिंगला सिंगुला सिलसिला मैंने बड़े बड़े पास करे, लेकिन इस पास पे रोड तो एक नंबर, लेकिन जो तो हवा चल रही है, जो तो विंड है भाई साहब, फकोल मतलब। अच्छा हुआ मैंने दिमाग लगाया, मैं लगेज बांध के आया गाड़ी पे, वरना मुझे तो ऐसा ऐसी फीलिंग कहीं कहीं आ गई ना जैसे मेरी गाड़ी उड़ रही है। वो साला क्या बताऊँ, गाड़ी 44 पे चल रही है, 47 पे चल रही है, इन फीलिंग लाइक कि आगे नहीं बढ़ रही, धड़क रही है धड़क रही है भाई। दिस उमलिंगला आई एम डन, मिशन अकम्प्लिश्ड, और बस अब अपन उमलिंगला करके उसमें पूगा पूगा हॉट स्प्रिंग में नहा के मन हुआ तो ले जाएंगे, वरना मनाली उतर के डायरेक्ट घर। आई गॉट एवरी थिंग वॉट एवर आई वॉन्टेड, सब कुछ मिल गया, बस एक ही बात है अब थोड़ा सा गाड़ी का पावर जा रहा है, बट नो इशू, मेरा ये डार्लिंग है ना ब्लैक ब्यूटी हर जगह पहुंच जाती है। व्हेन दीस रोड्स आर लाइक एकदम क्लीन एंड क्लियर ना भाई, मजा ही आ जाता है। यहाँ तो बाइक चलाने का ना ऐसा लगता है ना, फिर फील्स लाइक कि अब ये रोड ख़त्म ना हो। बस मेरे साथ क्या होता है, मैं गोप्रो लगा के रखा है हेलमेट में, अब ये पता नहीं सबको होता है नहीं, बट ये गोप्रो के वेट से ना मेरी नेक दर्द होने लगती है, और इट स्टार्ट पेनिंग सो बैडली ना कि पूरा मन खराब हो जाता है, पूरा गोप्रो ओप्रो चलाने का इच्छा ख़त्म हो जाता है। तो जीसू बोले इट्स लाइक 2 किलोमीटर, और यहाँ से उमलिंगला बहुत पास ही है, मुझे तो लगा था ना कि इट इज़ हाईएस्ट मोटरेबल पास, तो बहुत ज़्यादा स्टीप मतलब चढ़ाई होगी, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होगी, बट ये नहीं है। बट मे भी हो सकता है कि इतना ऊंचाई पे आ चुके हैं, बिकॉज जब सिंकुला किया था तो दैट प्लेस वॉज लाइक, वो तो बहुत स्टीप चढ़ रहे चढ़ रहे चढ़ रहे, सिंगला पे भी चढ़ रहे चढ़ रहे चढ़ रहे, और मे भी हो सकता है कि ले के बाद पेंगयोंग पेंगयोंग वॉज ऑल्सो गुड हाइट, फिर हानले के बाद आई डोंट नो कि यहाँ ऐसा क्या है कि यहाँ पे एक भी हम लोगों को स्टीप चढ़ाई नहीं मिली, मेरे को एक भी ऐसा जगह नहीं लगा। हाँ वो ऑफ रोड में तो थी, बिकॉज दैट पैचेस वॉज लाइक कि वो सीधा है, तो फॉर 400 मीटर्स वो सीधा है। ये मेरा हिमांग का प्रयास, जिसमें 1 किलोमीटर पीछे पड़ा, 1000 मीटर टू रीच उमलिंगला, उमिंगला उमिंगला जो भी है समझ गए आप लोग। यहाँ ठंड भाई फाड़ फाड़, इतनी ठंड हाथों में ऐसा लग रहा ना, हाथ आर गेटिंग फ्रीज, मैंने भाई -डिग्री वाले हैं, लेकिन मुझे इधर लग रहा है जैसे 1-2 डिग्री टेम्परेचर हो गया है। उमिंगला इज जस्ट 800 मीटर
कर हर मैदान। वाह गाड़ी गाड़ी भी रोने लगी। यू कैन सी द आइस, आइस इधर उधर नहीं है इतना, पता नहीं है जो हवा चल रही है इतनी सूखी है, जहाँ भी लग रही है ऐसा लग रहा है मौत चक्कू की जरा जैसे ब्लेड से कोई काट रहा है। फाइनली हाँ डैम चौक लिखा रहा है, डैम चौक आ रहा है चाइना का आ रहा है इंडिया का, साइड जाना अलाउड नहीं है। हमलिंगला चलेंगे हमलिंगला से वापस, बहुत हो गया। और उसके बाद कोई वो नहीं, पूरा एडवेंचर सब कुछ जैसा मिशन था जो जो करना था हाईएस्ट मोटर रेल क्रॉस कर लिया और बस डन। मैं पागल नहीं हुआ हूँ, बस मैं उससे चिल्ला रहा हूँ बिकॉज मेरे से ना ठंडी सहन के बाहर जा रही है। इधर भाई साहब बस आ गया हमलिंगला और मैं यहाँ पे मैं ग्लव्स व्लव्स उतार के नहीं करने वाला हूँ, मैं कुछ नहीं दिखाने वाला हूँ, बस फोटो खिंच जाएगी तो खिंच जाएगी, अदरवाइज मुझे कुछ नहीं करना, ना व्लॉग ना कुछ। आई एम नॉट इन कंडीशन तो मेरी कंडीशन ही नहीं है कि यहाँ पता नहीं काय की तैयारी चल रही। वर्ल्ड हाईएस्ट टनल। आई केम आ गया। वेलकम टू हमलिंगला हट। आई एम नॉट रिमूविंग एनीथिंग। भैया ऑल द बेस्ट। यहाँ कम बोलने का है। आई शो यू वर्ल्ड हाईएस्ट कैफे 19,024 फीट। सो फाइनली आफ्टर 70-75 किलोमीटर्स ऑफ हेल राइडिंग, भाई साहब दिस इज नेक्स्ट लेवल ऑफ हेल, डिफरेंट काइंड ऑफ हेल, एंड फाइनली रीच्ड हमलिंगला। इट इज 19,024 फीट एंड आई एम स्टैंडिंग एट हमलिंगला। या देखो भैया He's the one yesterday motivated me at Mango. Pallavedi, she is Bhaiya's wife. So we are going down from here because this place is not kind of place that we have seen that Singula that all were like bachche ka khel. This Hamlingla is fucking adventurous and fucking hell. Now we are leaving this place. This snowfall has started.